Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Pointing Patel. Hope you keep in well. मैं आज बात करूंगा शहबाज शरीफ के बारे में. वो फिर ब्लंडन आ गए तीसरी दफ़ा पिछले 8 महीनों में. अभी पाकिस्तान की हालत देखो यार, मुल्क डूबा हुआ है, मुल्क डूबा हुआ है, लंदन आ रहा है. मुझे पता है टिकट कितनी महंगी है लंदन से पाकिस्तान, बैक टू लंदन, पाकिस्तान से लंदन बैक टू पाकिस्तान कितनी महंगी टिकट है मुझे पता है. उसके इस दफ़ा ये होगा वो मिस्र गया था. अरे मिस्र गया तो मिस्र वापस पाकिस्तान चले जा. ये मिस्र से लंदन आने का मतलब होता है? ये हर दफ़ा लंदन क्यों आया जा रहा है? 3 दफ़ा लंदन आ चुका है ये जब से प्राइम मिनिस्टर. मतलब किसके क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? ये कर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं ये लोग. ये क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? व्हाट आर दे ट्राइंग टू प्रूव? क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? मुल्क डूबा हुआ है, गरीबों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो रोड पर सड़ रहे हैं, सर्दियाँ बढ़ रही हैं बेतहाशा, डेंगू बीमारी ने पूरा मेरे कज़न का इंतकाल हो गया डेंगू बीमारी की वजह से. इनको ज़रा सुकून नहीं है, इनको ज़रा मतलब जहन नहीं. पता नहीं किस किस्म के लोग हैं ये लोग, किस किस्म के लोग हैं ये, मेरी समझ से बाहर हो गया है. मतलब ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको अल्लाह से ज़रा सा डर है कि नहीं? वो दूसरा बिलावल भुट्टो, वो इसका पूरा ख़ानदान सिंध से, सिंध डूबा हुआ है, उसका पूरा ख़ानदान सिंध से, वो पूरा नाना सिंध से, माँ सिंध से, खुद सिंध से. जी अच्छा सिंध की क्या हालत हुई है जी? हु क्या है इसमें? तो बाहर बैठा हुआ होटलों में. ये क्या है, ये क्या है? वो होटलों के खर्चे कौन दे रहा है? ये ट्रैवल जो कर रहा है उसके खर्चे कौन दे रहा है? और ये बोलते हैं मुल्क चला रहे हैं. तुम मुल्क ठेंगा चला रहे हो, तुम बाहर बैठे हो बूतनी के, तुम मुल्क क्या चला रहे हो? हैं वो गरीब जो बच्चा अल्लाह ना करे लड़ना करे डेंगू वायरस से मर जाएगा उसका क्या होगा? हैं उसका कौन कौन रिश्तेदार जिसकी तकलीफ होगी उसको कौन कौन संभालेगा? उसको कौन दिलासा देगा? ये किस किस्म के लोग हैं? वो हम टी वाले वो एंजेलिना जोली वहाँ से लंदन से गई वहाँ तक, सॉरी अमेरिका से गई वहाँ तक, ठीक है एंजेलिना जोली, ठीक है. वो डियाना पिछली दफ़ा जब सैलाब आया था 2007 में या 2005 में जब भी था, वो डियाना गई थी वहाँ से, यहाँ से यूके से हैं पाकिस्तान हैं. इनको ज़रा शर्म हया है कि वहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर जाके अपने क्या नाम है वो कर रहे हैं, वो नंगे घूम रहे हैं. मुझे कपड़ों से टेंशन नहीं है नंगे घूमे, भाड़ में जाए नंगे घूमे, मुझे टेंशन है ड्रामा भी ऐसे दिखाया करो ना, फिर डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाओ अपने. ये तुमने कहाँ से सीखा ये चीज़? सीखी कहाँ से मैं बता दूँ कहाँ सीखी तुमने? तुमने ये चीज़ यूके से सीखी है? मैं बता दूँ किस तरह यूके से सीखी है? एक तो बोलते हैं जी हम रेसिज्म बिल्कुल नहीं करते हैं, हम बिल्कुल सबको साथ में लेकर चलते हैं हैं. दूसरी तरफ क्या कि यूक्रेन के लिए अलग लॉ है, अफगानिस्तान इराक के लिए अलग लॉ है, हैं कि यूक्रेन से यूके के बीच में जो है वो कोई ज़मीन है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इराक के बीच में कोई ज़मीन है तो लोग यूके नहीं आ सकते. ये क्या है? ये वही जो पाकिस्तान वाले इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त. हम टीवी अवार्ड दे रहे हैं वहाँ पर नंगे घूम रहे हैं, वो एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि भाड़ में जाए नंगे घूमे उनका अपना मसला है, ठीक है ना, लेकिन ये चीज़ पाकिस्तान में इस तरह शो किया करो ये, ठीक है. दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर जाके अवार्ड्स कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं. तुम जो ये क्या नाम है जो एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे लेते हो लोगों से हैं, या जो ये शो करते हो उसका पूरा क्रेडिट जो पूरे पैसे जो उठा के ये गरीबों को दो ना, जो मर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लोग हैं. तो एंजेलिना जोली के लिए वहाँ पे लोग नहीं हैं, डियाना जब आई थी उसके लिए वहाँ पे लोग नहीं थे मेरे ख्याल में. तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, हैं तुम्हारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनके लिए नहीं थे. ये किस दुनिया में रह रहे हैं? कहाँ पर रह रहे हैं ये? हैं ये क्या बेगैरती चल रही है? मेरी समझ से बाहर हुआ है. ये बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेसेस वहाँ पे क्या नाम है ड्रामों की करा पता नहीं कौन कौन, वो सामने ही नहीं आए अभी तक सामने नहीं आए. महीनों गुजर गए, मौसम ख़राब हो गया, हालत बेतहाशा, बिल्कुल ही सड़ चुकी हालत. गरीब से गरीब तर लोग जो है वो फंस गए बिल्कुल. उनकी हालत मतलब तश्वीशनाक जैसे हो गई, अल्लाह ही रहम करे क्या होना उन पर. मतलब 2 महीने 3 महीने के बच्चे, माँ बाप रोड पे, इनको ज़रा अख़लाक तमीज़ ध्यान इस्लाम किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. ये दुनिया घूम रहे, घूमो भाई तुम दुनिया घूमो, दुनिया घूमो, मुझे तुम ये प्रॉब्लम दुनिया घूमो, घूमो भाड़ में जाओ, कोई फ़ायदा तो दो पाकिस्तान को उसका.
कोई तो फायदा दो, कुछ तो दो है। जब तुम करोड़ों उठा के चलो पाकिस्तान से बाहर घूम रहे हो, करोड़ों उठा रहे हो वहां से, हजारों तो दे दो उन गरीबों को। अगर एक एक 10-10, 20-20 हज़ार निकाल के एक्स्ट्रा हर दफ़ा में दे देना इन गरीब लोगों को पाकिस्तान के, तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अभी कभी। एनीवे, अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। एनीवे, वीडियोज मेरी आती रहती हैं, तो कीप इन टच, स्पीच नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।